नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। जनता को रिझाने नेता निकल पड़े। जी हां, चुनावी मैदान में इन दिनों साक्षात सभी नेताओं के सहज ही भव्य और दिव्य दर्शन होने लगे हैं। चुनाव माथे पर है। वायदों की चाशनी में लपेटा हुआ सब्जबाग रूपी घोषणा पत्र का घमासान आसानी के साथ जनता को दी जा रही है। राघोपुर विधानसभा सीट के लिए तेजस्वी यादव का नामांकन पत्र दाखिल करना राजद के लिए कितना सार्थक होगा, यह तो समय के गर्भ में है। उत्साह के साथ सभी क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी है। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान का मन मिजाज जदयू से पूरी तरह खट्टा हो चुका है। तभी तो वे कभी भी दल के मुखिया नीतीश कुमार पर हर दिन तंज कस रहे हैं। रही बात प्रधानमंत्री की, तो चिराग पासवान का कहना है कि वे तो उनके मन में बसे हैं। पीएम की फोटो तो नीतीश जी को चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण की ओर हमेशा से खास ध्यान दिया है। चुनावी मैदान में सार्वजनिक मंच से उन्होंने फिर से बेटियों के लिए तोहफों की बरसात कर दी है। इंटर पास करने पर 25 और स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लेने पर छात्राओं को 50,000 की राशि दी जाएगी। इस घोषणा को क्रांतिकारी बदलाव वाला कहा जा सकता है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल एवं प्रियंका गांधी का बिहार दौरा संभवतः 22 या 23 को हो। खबरों के मुताबिक चुनावी सभा को भी दोनों संबोधित करेंगे। संभावना है कि आज से खुलने वाले सिनेमा हॉल और बिहार के शैक्षिक संस्थानों पर रोक लगी रहे। खबरों के आधार पर खुलने की गाइडलाइंस जारी नहीं किए जाने से वाहो की स्थिति पैदा हो गई है। कोरोना के नाम पर रोना भी जारी है। चार गठबंधन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनकी सरकार बिहार में बनेगी। PDA की ओर से पप्पू यादव को भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया गया है। कहा जा सकता है कि एक अनार और 100 बीमार, दावेदारी पेश करने में कोई हर्ज नहीं। बिहार में निर्धारित समय पर चुनावी गतिविधियों के लिए काफी संख्या में सुरक्षा बलों की जरूरत है। इस हेतु 1,200 कंपनियों की जरूरत यहां के लिए चाहिए। दूसरे राज्यों से भी सहयोग ली जा रही है। बिहार में उद्योग को लेकर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके तहत अब यदि पुनः वापसी होती है तो SC अति पिछड़े तथा महिलाओं को अपने रोजगार के लिए 10 लाख की राशि दी जाएगी। पूजा स्पेशल ट्रेन 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलेगी। यह व्यवस्था दुर्गा पूजा से लेकर छठ पर्व को ध्यान में रखकर की गई है, ताकि बाहर से बिहार आने वाले लोगों को सुविधा हो सके। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए SDF न्यूज़।